फरवरी 2023 को यूएस के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वार्निंग जारी की। वार्निंग ये थी कि नॉर्थ पोल के हायर एटमॉस्फेयर का तापमान सडनली डिसरप्ट हो चुका है और इस वजह से 2023 के अंत तक वहां की एक्सट्रीम ठंड कोल्ड वेव्स के रूप में नीचे यूएस, कनाडा और यूरोप तक लीक हो जाएगी और प्रेडिक्शंस ये किए जा रहे हैं कि अब तक की सबसे डेडली कोल्ड वेव हो सकती है। अभी हाल ही में यूएस में जिस कोल्ड वेव ने 22 लोगों की जान ले ली थी, ये वेव उससे कहीं ज्यादा मैसिव होगी। एक्चुअली जनवरी 2019 में यूएस में पिछले 27 इयर्स में आए कोल्ड वेव का लोएस्ट तापमान रिकॉर्ड हुआ था। इस कोल्ड वेव ने इतने वाइड एरिया को कवर किया था कि यूएस के 27 स्टेट्स पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके थे। यूएस का सबसे हॉटेस्ट स्टेट टेक्सस, जहां पे टेम्परेचर नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता ही नहीं है, वहां का तापमान उस समय में -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां तक कि यूएस को अपने 5000 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ गया था और इन्हीं सब चीजों के चलते यूएस को $950 मिलियन का नुकसान सहना पड़ा था। दिन ब दिन ठंड के कारण हालात इतने खराब होते गए कि सिर्फ दो ही दिनों में इस ठंड ने 22 लोगों की जाने ले ली। अब ऐसा ड्रास्टिक वातावरण यूजुअली हम नॉर्थ या साउथ पोल्स पर ही देखते हैं। सो आखिर ये खतरनाक पोलर वातावरण नीचे यूएस तक आखिर कैसे लीक हुआ? वेल, अगर एकदम आसान भाषा में समझाऊं ना तो ये सब कुछ हुआ क्योंकि 2400 घंटे हमारे पोल्स पर एक ठंडी हवा का बवंडर करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता रहता है और इस बवंडर को हम कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स। इसकी ताकत आज से करीब 80 इयर्स पहले यूएस द्वारा बॉम्ब्स गिरा के नापी गई थी। दरअसल बात है 1940s की, जब वर्ल्ड वॉर टू जोर पकड़ रहा था। तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट करीब 50,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बनवाना चाहते थे और उसके लिए उन्हें 10,000 मीटियोरोलॉजी ट्रेन्ड ऑफिसर्स की जरूरत थी। अब उन दिनों एक फेमस स्वीडिश मीटियोरोलॉजिस्ट थे कार्ल गुस्ताफ रॉसबी करके, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मीटियोरोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। उन्हें भी इस यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। अब व्हाइल दे वर डिजाइनिंग देयर प्लेन्स, उन्होंने ये देखा कि वॉर प्लेन्स के बॉम्ब्स अक्सर अपने टारगेट को मिस कर देते थे। नाउ सिंस वो प्लेन्स हाई ऑल्टीट्यूड से बॉम्ब फेंकते थे, तो रॉसबी को लगा कि इसके पीछे उन्हीं हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स का हाथ हो सकता है जिसे उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में डिटेक्ट किया था। दरअसल रॉसबी 20वीं सदी की शुरुआत से ही पोल्स के वेदर में काफी इंटरेस्टेड रहे थे और इसीलिए इवेंचुअली जब वो यूएस के MIT इंस्टीट्यूट में काम करने लगे थे, सो उन्होंने ये डिड्यूस किया कि शायद इसी विंड मैकेनिज्म के चलते यूएस वॉरप्लेन्स के बॉम्ब्स ड्रॉप होते ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब क्या कोई एक नेचुरल फिनोमिनन को रोक सकता है? ऑब्वियसली नॉट। और इस वजह से एज ए सोल्यूशन उन्होंने इसके हिसाब से अपने बॉम्ब्स को कब और कहां ड्रॉप करना है ये प्रेडिक्ट करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। एंड नाउ फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट? इसी मैथमेटिकल मॉडल की मदद से बाद में ये पता चला कि पोलर विंड्स असल में एक बवंडर की तरह घूमकर पूरे पृथ्वी के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉट जस्ट यूएस के वेदर को। और इसीलिए उन पोलर विंड्स का नाम पड़ा पोलर वर्टेक्स और वो जिन विंड्स की मदद से ग्लोबल वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको बोला गया जेट स्ट्रीम्स। बट देयर वाज मोर टू इट। आगे इन पर और रिसर्चेस करने के बाद ये सामने आया कि जेट स्ट्रीम्स असल में सिर्फ पोलर वर्टेक्स के एक्सटेंशंस नहीं है बल्कि वो पोलर वर्टेक्स को पोल्स पर ट्रैप्ड भी रखते हैं। और वो बात अलग है कि कभी कभार वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन्हें ये जेट स्ट्रीम्स भी रोक नहीं पाते। एंड नाउ आई नो आपको इतने आसानी से ये नहीं समझेगा, हमें इसे एकदम शुरू से बिल्कुल लेमैन टर्म से समझना पड़ेगा ताकि आपको इसकी ताकत का एक प्रॉपर ग्रास्प हो सके। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात मैं शुरू से क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पर लागू होता है। इट इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कि मैं यहां पर सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कंसिडर कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैकेनिज्म कुछ ऐसा है ना, पृथ्वी के इक्वेटर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। अब ठंडी हवा के कंपैरिजन में गर्म हवा ज्यादा हल्की होती है, इसीलिए इक्वेटर पर एक लो प्रेशर जोन बनता है और फिर ऊपर राइज होने से ये गर्म हवा ठंडी और भारी होकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन तक आते आते नॉर्थ की तरफ से आ रही ठंडी हवा के साथ टकराती है। इस टक्कर की वजह से इक्वेटर से आई गर्म हवा सरफेस की ओर नीचे जाती है जिससे वहां पर एक हाई प्रेशर जोन बनता है। यह गर्म हवा सरफेस पर पहुंचकर दो ब्रांचेस में बट जाती है, पहली जो ईस्टर्लीज के रूप में वापस इक्वेटर की ओर बहती है और इससे पृथ्वी के एयर सर्कुलेशन पैटर्न का एक लूप भी कंप्लीट होता है जिसे साइंटिस्ट द हैडली सेल कहते हैं। एंड इस गर्म हवा का सेकेंड ब्रांच नॉर्थ की तरफ वेस्टर्लीज के रूप में बहता है। ये विंड्स 60 डिग्री लैटिट्यूड यानी सब पोलर रीजन पर आर्कटिक रीजन से आ रही ठंडी हवा के साथ कोलाइड करती है।
और अब क्योंकि दोनों वेंट्स पृथ्वी के सरफेस पर कोलाइड होते हैं, उनके पास और नीचे सिंक होने के लिए कोई जगह नहीं होती, सो वो ऊपर राइज हो जाते हैं, जिसके वजह से सब पोलर रीजन पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने इक्वेटर के केस में देखा था। सो ये ऊपर उठती हवा दो हिस्सों में बट जाती है, जिसमें से एक वापस साउथ की तरफ बहकर सब ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर से आ रही विंड से कोलाइड करते हैं, और इस सर्कुलेशन पैटर्न को मीटरोलॉजिस्ट फेरल सेल कहते हैं। एंड सब पोलर रीजन से राइज होती हवा का दूसरा ब्रांच नॉर्थ पोल की तरफ बहकर नॉर्थ पोल पर सिंक होता है, और इस सिंकिंग एयर की वजह से वहां पर एक हाई प्रेशर जोन बनता है, जिसके बाद ये एयर साउथ की तरफ पोलर ईस्टर्लीज के रूप में बहती है। ये पोलर ईस्टर्लीज सब पोलर रीजन में सब ट्रॉपिकल रीजन से आ रही गर्म हवा के साथ टकराते हैं और वापस पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। पोल्स के इस एयर सर्कुलेशन पैटर्न को पोलर सेल कहा जाता है। सो टू समराइज, अब तक हमने ये देखा कि पूरे पृथ्वी पर एयर सर्कुलेशन की वजह से तीन साइकल्स फॉर्म होते हैं, हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, और इन सेल्स की वजह से इक्वेटर और सब पोलर रीजन पर लो प्रेशर जोन और सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन पर हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं। एंड नाउ ये एयर फ्लो इन सभी सेल्स का फॉर्मेशन सब कुछ पृथ्वी के एटमोस्फियर में होता है, बट इसके विपरीत पोलर वर्टेक्स एटमॉस्फेयर की बाउंड्री यानी कि ट्रोपोपॉज में बनता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि सब पोलर रीजन पर पोल से आ रही ठंडी हवा और इक्वेटर से आ रही गर्म हवा कोलाइड होती है, और इस वजह से इस पॉइंट को पोलर फ्रंट कहते हैं। अब इसी कोलिजन की वजह से सब ट्रॉपिकल रीजन की वार्म एयर कंपैरेटिवली हल्की होने की वजह से पोलर रीजन के कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाती है, और यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। फर्स्टली, अगर गर्म हवा हमेशा ऊपर से निकल सकती है तो जैसे कि हमने देखा वो ठंडी हवा से फिर टकरा ही क्यों रही है, और सेकेंडली अगर ये पूरा विंड फ्लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है तो पोलर वर्टेक्स किसी बवंडर की तरह वैसे ईस्ट क्यों बहता है। वेल, इसके पीछे का रीजन है हमारी पृथ्वी एंड मोर स्पेसिफिकली उसका कोरियोलिस फोर्स। अब ये क्या होता है ना, इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन एक स्टेशनरी मेरी गो राउंड है जिसमें बैठकर आप बाहर खड़े अपने फ्रेंड की ओर बॉल फेंकते हो, तो बॉल एक स्ट्रेट लाइन में आपके फ्रेंड तक पहुंचेगी, राइट? लेकिन अगर यही बॉल आपने घूमते हुए मेरी गो राउंड से फेंका होता तो वो सीधा जाने के बजाय एक कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करती, और ये इसीलिए क्योंकि बॉल एक हाई स्पीड रीजन से एक लो स्पीड रीजन की तरफ जा रही है एंड मोमेंटम कंजर्व करने के लिए उस पर एक फोर्स एक्ट करता है कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स, जो उसके पैथ को कर्व कर देता है। ऑन द सेम लाइंस, अर्थ के रोटेशन की वजह से पोलर फ्रंट पर आ रही वार्म एयर सीधा जाने के बजाय एक कर्व्ड पैथ में घूमेगी, और जैसे कि हम जानते हैं वार्म एयर की वजह से लो प्रेशर बनता है, सो यही एयर पोल्स के ऊपर एक लो प्रेशर जोन में एक वर्टेक्स के फॉर्म में रोटेट करती है, एंड दैट्स हाउ वहां पर एक पोलर वर्टेक्स फॉर्म होता है। नाउ पोलर फ्रंट, जहां पर पोल से आ रही कोल्ड एयर और इक्वेटर से आ रही वार्म एयर कोलाइड होती है, वहां भी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये दोनों भी एयर स्ट्रीम्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगते हैं। इससे सब पोलर रीजन के ऊपर एक एयर टनल बनता है नोन एज पोलर जेट स्ट्रीम। ये पोलर जेट स्ट्रीम किसी बैरियर यानी एक बाउंड्री की तरह पोलर वर्टेक्स को पोल्स पर ही ट्रैप करता है। अब यूजुअली ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैप होता है, लेकिन कभी कभी ये बैरियर टूट जाता है या किसी रीजन की वजह से वीक हो जाता है, जिसे आर्कटिक रीजन की ठंडी हवा इस रीजन की तरफ मूव करने लगती है और हम उन्हें कोल्ड वेव्स का नाम देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब आर्कटिक और इक्वेटर का टेम्परेचर डिफरेंस अपने अपने एक्सट्रीमिटी पर यानी कि काफी ज्यादा हो जाता है, तब ये पोलर जेट स्ट्रीम्स एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं और पोलर वर्टेक्स को अपने अंदर ट्रैप रखते हैं। लेकिन जैसे ही नॉर्थ में समर शुरू हो जाता है, आर्कटिक रीजन कुछ मात्रा में गर्म होने लगता है, जिससे आर्कटिक और इक्वेटर इन दोनों भी रीजन के बीच ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहता, सो इस वजह से पोलर जेट स्ट्रीम वीक हो जाती है और इस तरह के एक वेवी पैटर्न में फ्लो करने लगती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूएस और यूरोप जैसे रीजन्स जो ओरिजिनली कोल्ड रीजन्स नहीं माने जाते, वहां भी अब बर्फ गिरने लगती है। एंड यू नो व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट, मैंने पहले कहा था अगर आपको याद होगा कि ये पोलर वर्टेक्स का लीक होना यूजुअली एक दशक में सिर्फ 2-3 बार होता है, पर एक लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार इन लीकेजेस की फ्रीक्वेंसी पिछले 4 दशकों में काफी बढ़ चुकी है, और अनुमान ये है कि आगे ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। सीनियर मीटरोलॉजिस्ट और कनाडा के वेदर स्पेशलिस्ट ब्रेट एंडरसन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक रीजन का बर्फ मेल्ट हो रहा है। इसके चलते जहां पहले बर्फ की वजह से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती थी, वहीं अभी उसके मेल्ट होने से एब्जॉर्ब हो रही है और आर्कटिक रीजन वार्म होते चला जा रहा है।
नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर इक्वेटोरियल और पोलर रीजन में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा तो पोलर जेट स्ट्रीम वीक हो जाते हैं और बस यही वजह है कि पोलर वर्टेक्स एंड इन टर्न उनसे आने वाले कोल्ड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ चुकी है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता चला गया तो साइंटिस्टों को ये डर है कि कहीं ये एक नए मैस एक्सटिंक्शन को ना जन्म दे दे। और ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आर्कटिक वार्म हो गया तो वहां का इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और पानी में मौजूद फिशेस मरने लगेगी। अब अगर फिशेस नहीं रहे तो उन पर सर्वाइव करने वाले पेंगुइन्स और सील्स भी खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोलर बेयर्स को खाना नहीं मिलेगा। और उसी तरह खाने की कमी होने की वजह से पोलर रीजन्स में एक एक कर इंसान भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही में आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट करके परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है, जिसमें एक ग्रीन हाउस गैस मीथेन ट्रैप्ड है। ये गैस अपने अंदर हीट ट्रैप करके रखता है, सो बढ़ते टेम्परेचर के कारण परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगा, जिससे उसमें मौजूद मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ये मीथेन अपने प्रॉपर्टीज के वजह से हीट को ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे आर्कटिक के आइस मेल्टिंग का ये साइकिल चलता रहेगा। और देखते ही देखते कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से सारे स्पीशीज विलुप्त हो सकते हैं। नाउ अगर ऐसा हुआ तो लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये काफी ऑकवर्ड मोमेंट होगा हम होमोसेपियंस के लिए, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलर थियरी हम होमोसेपियंस ने ही हमारे सिबलिंग स्पीशीज यानी कि नियंदरथाल्स को खत्म किया था। और अब जिस ठंडे पोलर वर्टेक्स ने आज से करीब 4 लाख साल पहले उन्हें जन्म दिया था, वो ही पोटेंशियली भविष्य में हमें खत्म कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपको नहीं पता था तो नियंदरथाल्स का जन्म पोलर वर्टेक्स की वजह से ही हुआ था। आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले हमारे अफ्रीकन एंसेस्टर्स होमो हाइडलबर्गेंसिस शिकार और खाने के लिए नॉर्थवर्ड रीजन्स में माइग्रेट करने लगे थे, और वहां पर एवोल्यूशन की वजह से आज से करीब 4 लाख साल पहले फरी, पेल स्किन्ड और ब्लू आंखों वाले नियंदरथाल्स इवॉल्व हुए। अब इस एवोल्यूशन को मेजरली हम सब सिर्फ एक लेंस से देखते हैं। इस दौरान हमारी पृथ्वी ग्लेशियल यानी आइस एज वाले फेज में जा रही थी और इसीलिए उनमें ये एडेप्टेशंस आए। बट देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट। इसमें हम एक मेजर फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट विद और विदाउट आइस एज ज्यादातर ठंडा ही रहता था, बिकॉज हर दशक में एटलीस्ट 2 से 3 बार नॉर्दर्न पोलर वर्टेक्स लीक होकर सदर्न यूरोपियन कंट्रीज के लैटिट्यूड्स तक नीचे फिसल जाते हैं, जैसे आपने पहले जाना। अब ऐसे ठंडे रीजन्स में अगर कोई इंसानी स्पीशीज माइग्रेट होगी तो उसे अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस तो डेवलप करने ही होंगे, और उन्हीं एडेप्टेशंस का नतीजा था नियंदरथाल स्पीशीज। इनके अंदर मेलानिन सेक्रीशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस OCA2 नाम के जीन में म्यूटेशन हुआ और उनकी आंखें ब्लू और स्किन पेल हो गए, जिसके दो फायदे थे। पहला, कम मेलानिन वाली स्किन जो होती है वो लो सनलाइट और ठंड में भी सूरज की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, जिससे शरीर तो गर्म रहता ही है पर साथ ही उस लो सनलाइट को यूज करके हमारा स्किन विटामिन डी क्रिएट कर सकता है, जिसे बॉडी यूज करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, जो हमारे बोन्स को मजबूत रखता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ब्लू आंखों में ज्यादा लाइट एंटर होती है, जिसकी वजह से वो अंधेरे में भी चीजें देख सकते थे। प्लस इसके अलावा उन्होंने विथ टाइम खुद के ऊपर हेयर भी डेवलप करना शुरू कर दिया, जिनसे वो अपने आप को ठंड से बचा सकते थे। सो ऑल इन ऑल उस दौरान पोलर वर्टेक्स ने ह्यूमन एवोल्यूशन को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप किया, डायरेक्ट किया। और इनफैक्ट आज भी नियंदरथाल्स और आइस एज मैन दोनों भी नहीं है, तब भी होमोसेपियंस ने यूरोप में जाकर पेल स्किन और ब्लू आइज वाले एडेप्टेशंस दिखाए। यानी कि पोलर वर्टेक्स एंड इन जनरल ग्लोबल क्लाइमेट का ह्यूमन एवोल्यूशन के ट्री को रचने में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यही ज्यादातर ह्यूमंस का अंत भी बन सकता है। ऊपर से रही बात उन लोगों की जो पोल से दूर रहते हैं, तो उनके लिए देयर आर अदर डिजास्टर्स, बिकॉज ऑफ विच सी लेवल बढ़ने की वजह से धीरे धीरे सारी सिटीज पानी में सबमर्ज होने लगी है। मिसाल के तौर पर चेन्नई, कोलकाता, बैंकॉक, मनीला जैसे कोस्टल सिटीज प्रेडिक्शन के हिसाब से अगले 50 सालों में सबमर्ज हो जाएंगे। इस कंटिन्यूस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ओशंस में एक ऐसा वेदर फिनोमिनन आएगा जो फ्यूचर में एशिया, अफ्रीका और यूएस में कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स की शुरुआत करेगा, और वो वेदर फिनोमिनन है एल नीनो। अब ये एल नीनो एग्जैक्टली क्या है, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। साइंटिस्टों का ये प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में ये घटना होने वाली है, सो आप इसे यहां पर चेक कर सकते हो कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप ऐसे करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, जय हिंद।